आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता ने दिया संविधान विरोधी बयान। बहुजन समाज पार्टी ने उठाई आवाज, कहा प्रदेश के सभी 117 विधानसभा में कल बड़ा आंदोलन होगा जिसमें आम आदमी पार्टी के पुतले फूके जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गड़ी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल गगन मान, इन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान के खिलाफ में बयानबाजी की है जो देशवासियों के लिए असहनीय है। इसका विरोध बहुजन समाज पार्टी करती है और कल 15 जुलाई को प्रदेश के 117 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी का पुतला फूकेंगी। उन्होंने मांग भी की है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल गगन मान, इनको पार्टी से तुरंत निष्कासित किया जाए एवं उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। आइए जानते हैं जसवीर सिंह गड़ी, इन्होंने क्या कहा। आम आदमी पार्टी दे आगू अनमोल गगन मान वालों कल भारत के संविधान विरोधी जिहड़ा बयान दिता गया और मंदी शब्दावली भारत के संविधान प्रति वरती गई है, बहुजन समाज पार्टी उसकी निंदा करती है। ये आम आदमी पार्टी की जिहड़ी दलित विरोधी, पछड़ा वर्ग विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी और भारत के संविधान विरोधी जिहड़ी उसकी गंदी मानसिकता आ आम आदमी पार्टी की उजागर हुई है। बहुजन समाज पार्टी इसनूं बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी कल 15 जुलाई में पूरे पंजाब दे विच 117 विधानसभावां हैडक्वार्टरां दे उत्ते आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दे पुतले फूकेगी और असी प्रशासन तो इस गल दी मंग करदे हां कि सू मोटो लैके जिहड़ा संविधान विरोधी, संविधान नूं देश दे संविधान नूं गलत दस्या गया उहदे तहत कार्रवाई करदे हो देशद्रोह दा मुकदमा जिहड़ा आ उह इत्थे दर्ज कीता जाणा चाहीदा आ। और आम आदमी पार्टी जेकर सच्ची हितैषी आ तो इनू जिहड़ा ये आगू ने गलत बयान दिते आ इनू आम आदमी पार्टी चो बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी को अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बसपा आने वाली 20 तारीख को संगरूर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान इनके बंगले को घेरेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल यह दलित पिछड़ों के विरोधी है, साथ ही वो पंजाब के भी विरोधी हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के 4 थर्मल पावर प्लांट बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।